सो भाई आज तक मेरे पास वीवो की तरफ से आने वाला एक बहुत ही प्यारा फोन वीवो V27 और उसके जो लुक्स है ना भाई बहुत ही ज्यादा तगड़े मिल जाते हैं। और ये पतला दुबला और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फोन भी है और धूप में ले जाने पे ये भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेता है, लाइट ब्लू से डार्क ब्लू हो जाता है। और भाई ये फोन है ना साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है तो जिसके कारण आप इसको वन हैंड से यूज नहीं कर पाओगे और कुछ केसेस में तो क्या होता है ये हाथ में से स्लिप भी हो जाता है, तो इसको आप देख के यूज करना, आराम से यूज करना। और भाई बात करें डिस्प्ले की तो इसमें 6.78 इंच की 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है और एक 10-bit डिस्प्ले और HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है इसमें। और इसमें 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है और उससे थोड़ी ज्यादा ही डायरेक्ट सनलाइट में भी आप फोन को आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। और बेजल्स इस फोन में एकदम ना के बराबर है और यहाँ पर कर्व्ड डिस्प्ले होने के कारण जो कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस है हमारा वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है। और यहाँ पे ना एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण कलर्स भी बहुत ज्यादा सही आते हैं, एकदम पंची कलर्स आते हैं। और YouTube पे आप 4K 60fps पे HDR कंटेंट आराम से प्ले कर पाओगे, यहाँ पे बार बार अटकता नहीं है, स्मूथली एकदम चल जाता है। और पर यहाँ पे जो Netflix है ना वहाँ पे आप सिर्फ फुल HD का कंटेंट ही प्ले कर पाओगे, HDR का सपोर्ट अभी नहीं मिलता है। भाई इस फोन में कर्व डिस्प्ले होने के कारण जो कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ज्यादा सही रहता है, पर इसमें मिलता है सिर्फ सिंगल स्पीकर, तो जिसके कारण यहाँ पे जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा किरकिरा हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। अगर यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर रहते ना तो ये जो मजा रहता है ना मल्टीमीडिया का वो एकदम ज्यादा खतरनाक होता, ज्यादा बेटर होता। और भाई इस फोन को पावर देने के लिए इसमें लगा है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसका अंदर तो इसको मतलब 6 लाख के समथिंग आ जाता है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो स्नैपड्रैगन से तो आप बोल सकते हो कि स्नैपड्रैगन 870 के नजदीक पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ये बहुत बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करवा देता है, जो डेली डे टू डे लाइफ के जो टास्क वो तो आराम से करवा देगा, बाकी यहाँ पे आप हेवी टास्क भी कर सकते हो। और भाई बात करें गेमिंग की तो यहाँ पे BGMI में स्मूथ पे 60fps यानी एक्सट्रीम का फ्रेम रेट मिल जाता है और बैलेंस वगैरह पे बाकी सभी ग्राफिक सेटिंग पे आपको 40fps ही मिलते हैं। और भाई जब मैं TDM खेल रहा था तो ये कॉन्स्टेंट 54-55 fps मेंटेन कर लेता था, पर जैसे मैं इसका बूस्ट मोड ऑन करता था ना तो ये 58-59 कभी कभार 60fps तक मतलब पहुंच जा रहा था, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे 59-60fps ये दे रहा था TDM में। यहाँ पे मैंने जब सेनो बूटकैंप टेस्ट करा था तो यहाँ पे 45fps तक ड्रॉप होते हुए दिखे थे और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है 50-55fps के बीच में ना मेंटेन कर लेता ही है, पर जैसे आप यहाँ पे बूस्ट मोड ऑन करोगे ना तो यहाँ पे अपने को जो सबसे मिनिमम जो fps थे वो 45 मिले थे ना, तो वो 45fps तक ड्रॉप नहीं होता, ये मतलब 50 तक यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है और जो कॉन्स्टेंट है 55-60fps के बीच में ना मेंटेन करके रख रहा है, तो बूस्ट मोड मतलब काम की चीज है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपको गेम के अंदर ज्यादा fps चाहिए तो यहाँ पे आपको बूस्ट मोड ऑन करके गेम खेलना पड़ेगा, तो यहाँ पे अच्छे fps देगा कॉन्स्टेंट। भाई इस फोन में ना यहाँ पे एक गेमिंग टूलकिट मिलती है जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, जैसे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फिर वॉइस चेंजर का यूज कर सकते हो। और पहली बार इस प्राइस रेंज के फोन में मेरे को है ना यहाँ पे मोशन सेंसर का फीचर देखने को मिला, ये जनरली ROG फोन में मिलता है पर इस बार मेरे को पहली बार ये वीवो के फोन में देखने को मिला। और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट मोशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि क्या करने पे यहाँ पे किस तरीके का एक्शन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आप गन रिलोडिंग पे इसको रख सकते हो तो आप जैसे फोन को शेक वगैरह करोगे तो यहाँ पे आपका जो गन है वो रिलोड हो जाएगी, तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। और भाई ये जो प्रोसेसर है ना मतलब पावर एफिशिएंट भी, मतलब थ्रोटल वगैरह भी नहीं खाता है, ठंडा ठंडा रहता है और इसमें वेपर कूलिंग सिस्टम भी है ना, तो वो उसको मतलब फोन को ज्यादा हीट भी नहीं होने देता है। और भाई बात करें कैमरा सेटअप की तो इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है, सोनी IMX766V सेंसर मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है। और फ्रंट में यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का ऑटो आई फोकस सेल्फी कैमरा मिल जाता है सोनी IMX766V। इसमें वी का मतलब क्या है कि ये वीवो के लिए अलग से ऑप्टिमाइज किया गया है और IMX766 ये वही सेंसर है जो कि ना बहुत सारे प्रीवियस फोन में यूज किया गया था, जैसे कि Realme 9 Pro Plus, Oppo Reno 6, 7 सीरीज में यूज किया गया था। और ये जो सेंसर है ना बहुत ही ज्यादा कमाल का है, बहुत बढ़िया फोटो कैप्चर करता है, डायनेमिक रेंज इसमें बहुत बढ़िया आती है, कलर्स को बहुत सही तरीके से मेंटेन करके रखता है और जो एक्सपोजर रहता है उसको सही तरीके से कंट्रोल करता है। और आप इस फोन में यहाँ ऊपर की तरफ देखना तो यहाँ पर प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पोर्ट्रेट शॉट सही में बहुत ज्यादा खतरनाक खींचता है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे पोर्ट्रेट मोड में जाओगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली 2x से जूम कर जाता है और यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक बहुत कमाल का फिल्टर मिलता है आपको वेडिंग स्टाइल वाला, और ये फिल्टर को लगाने के बाद ये जो पोर्ट्रेट शॉट आते हैं ना बहुत ही ज्यादा कमाल के आते हैं, एकदम मतलब एज डिटेक्शन वगैरह जो है यहाँ पे बहुत सही तरीके से रहता है। और यहाँ पे जो वॉर्म फोटोज थोड़ी क्लिक करते हैं सोशल मीडिया रेडी फोटो रहती है, अगर आप इसको पोस्ट करना चाहते हो कहीं पे भी तो आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो बिना कोई कलर ग्रेडिंग वगैरह के। और सबसे अच्छा फीचर मेरे को ये लगा कि फोटो क्लिक करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना ब्लर रखना है आपकी फोटो के अंदर। जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये रियर कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है 4K 30fps पे, और इसमें भी कुछ काइंड ऑफ रीजन है 4K 60fps का ऑप्शन ऑन नहीं हो पा रहा है, तो आप देख सकते हो किस तरीके की वीडियो क्वालिटी आ रही है। अभी ये जो वीडियो शूट हो रही है ये 4K 30fps पे शूट हो रही है और क्या पता कुछ रीजन की वजह से 4K 60fps ऑन नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हो किस तरीके की वीडियो क्वालिटी आ रही है सेल्फी कैमरा से। और ये 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।
भाई जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर रहा था तो यहाँ पे 4K 60 FPS का ऑप्शन मेरे को दिख रहा था, पर जैसे मैं 4K 60 FPS पे क्लिक करता था तो ये ऑटोमेटिकली 1080p 60 FPS पर स्विच कर जा रहा था। अभी बार बार स्विच कर रहा था, ये ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट और रेयर कैमरा है दोनों यहाँ पे जो 4K 30 FPS को सपोर्ट करते 60 FPS को सपोर्ट नहीं करते। भाई इस फोन की सबसे अच्छी बात इसमें आपको फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा में भी 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। बड़े बड़े फोन देख लो जैसे सैमसंग S23 Ultra देख लो, उसमें आज तक 4K का ऑप्शन नहीं आया फ्रंट कैमरा में, यहाँ पे वो 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे। जो वाइड एंगल है और जो मैक्रो कैमरा है उससे आप एवरेज फोटो निकाल पाओगे। और भाई ये फोन है ना 5G को सपोर्ट करता है तो इसमें 6 से 5G के बैंड मिल जाते हैं, पर यहाँ पर दो जरूरी 5G बैंड जैसे N77 और N41 इसमें नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है कि कुछ एरिया में 5G की स्पीड उतनी अच्छी नहीं आए। और साथ ही में इस फोन में आपको डुअल 4G वोल्टी मिल जाता है, मतलब 4G प्लस यानी कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, पर यहाँ पे इसमें जो NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है। और भाई इसमें LPDDR5 रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज होने के कारण यहाँ पे जो ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग स्पीड है वो बहुत मतलब अच्छी आ जाती है, मतलब ऐप फटाफट ओपन हो जाते हैं, और इस फोन का जो रैम मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज्यादा सही है। और भाई इसमें 4600 mAh की बैटरी मिल जाती है और 80 वॉट का चार्जर आ जाता है बॉक्स में, पर जो कि 66 वॉट पे चार्ज करता है फोन को। और अगर आप इस पर कंटिन्यू गेमिंग करते हो ना तो 5 से 5.5 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, और अगर आप गेमिंग नहीं करते नॉर्मल टास्क वगैरह परफॉर्म करते हो तो आपको जो पूरा दिन का जो बैटरी बैकअप आराम से दे देगा ये। और भाई ये फोन है ना एंड्रॉइड 13 के ऊपर रन हो रहा है, पर इसके जो सॉफ्टवेयर है इसमें कुछ बग्स अभी भी अवेलेबल है जिसको वीवो को ना फिक्स करना चाहिए जल्दी से जल्दी। भाई होता कुछ इस तरीके से कि आप मतलब फोन को चला रहे हो और सडनली आपका जो फोन है ना वो स्टक हो जाता है, मतलब एक जगह पे स्टक हो जाता है, कुछ भी चीजें वर्क नहीं करती है, कभी कभार स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, और यहाँ पे मतलब कुछ भी आप टास्क करने की कोशिश करोगे कि कुछ भी बटन दबा रहे हो तो वर्क नहीं करेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, फोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा जब जाके वो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा बहुत देर तक। तो इससे ये बग को ना फिक्स करना जरूरी है विवो को। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन है ना बहुत ज्यादा मस्त है, इसकी जो डिस्प्ले मिल जाती है बहुत ज्यादा सही मिल जाती है, और यहाँ पे इसका जो कैमरा मिलता है जो खास करके जो 2x पोर्ट्रेट मोड है वो तो और ज्यादा तबाही मोड, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी मतलब ठीक ठीक निकाल देता है, और जो इसकी बैटरी लाइफ है वो भी सही है। पर इसमें कुछ कमियां भी देखने को मिलती है, जैसे 5G को 2 बैंड से कम मिलते हैं, पर वो तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको चलो आप एडजस्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे जो सिंगल स्पीकर मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलना चाहिए था इस प्राइस, और गेमिंग के लिए ना अभी उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है क्योंकि BGMI भी अभी अभी आया है, और यहाँ पे ना मतलब FPS सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता, आपको बार बार बूस्ट मोड ऑन करना पड़ता है, तो बोल सकते हैं कि गेमिंग के लिए भी उतना ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते।